वी आर फ्रॉम इंट्रा डिजिटल प्रोडक्ट्स। अभी तक वी आर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल आरओ कंट्रोल पैनल्स एंड वाटर वेंडिंग मशीन बना रहा हूँ। अभी स्मार्ट आरओ कंट्रोल इंट्रोड्यूस कर रहे डोमेस्टिक वाटर फिल्टर के लिए। उसका जो स्मार्ट आरओ कंट्रोल कैसा काम करता है, उसका फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अभी ये हमारा स्मार्ट आरओ कंट्रोलर है ना, ऐसा टू टैप वाला मशीन में भी बाड़े में लगा सकते हैं। ऐसा वाटर प्योरीफायर अपने लोकल में अपने मिलता ना मार्केट पे, ऐसा भी कट करके भी यूज़ करा सकते हो। जो उसको साइज रहता ना उसको कट करके है ना ये भी लगा सकते हो। उसको ये पर्ल बाड़ी है और उसके ना एक्वामैरिस का बाड़ी है, ऐसे यूज़ कर सकते। जो अपने नॉर्मली तो इधर पूरा क्या इंडिकेशन करा था, उसका फंक्शंस क्या है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे फिर डीपली। दिस इज अवर न्यू प्रोडक्ट फॉर स्मार्ट आरओ कंट्रोलर है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी ना। इसमें अभी देख लो, इधर बॉडी में कनेक्ट करने के बाद ऐसे होता है आपको। नॉर्मली इसमें ना आपको फ्लशिंग इंडिकेशन दिखाएगा, प्यूरिटी इंडिकेशन, सर्विस इंडिकेशन, टोटल आरओ का इंडिकेशन और F1, F2, F3। तो तीन फिल्टर का लाइफ इसमें इंडिकेशन हो जाएगा। और उसको तीन बटन रही है अंदर सेटिंग में जाने के लिए, एंटर बटन है, अप एंड डाउन कुछ वैल्यू चेंज करने के लिए और डाउन करने के लिए डाउन वैल्यू है। इसके क्या कौन सा फीचर क्या फंक्शन है तो अभी देख लेंगे। ये स्मार्ट आरओ कंट्रोलर है। बेसिकली ये आरओ कंट्रोलर क्या काम करता बोले तो, अपने जो ऑलरेडी ये वाला टाइम बेस में यूज़ कर सकते और फ्लो बेस में यूज़ कर सकते। नॉर्मली आपने मशीन यानी कितना घंटा काम किया इतना घंटा आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर अपने फ्लो सेंसर लगा के यूज़ करते ना, अपने कितना पानी आपको दे रहा, बाहर आपको वारो पानी आ रहा, उसका फ्लो मीटर भी आपको इंडिकेशन हो जाएगा वहाँ पे। फिर भी आपको अपने फिल्टर यूज़ करता है, अपने प्री फिल्टर है, पोस्ट फिल्टर, क्वार्टर फिल्टर है, जो फिल्टर नॉर्मली आपको कब चेंज करना बोलते आपको नहीं पता चलता। लेकिन इधर है ना F1, F2, F3 बोल के इंडिकेशन लगाया था वहाँ पे ना, प्री फिल्टर, पोस्ट फिल्टर और मेम्ब्रेन का, और अदरवाइज अपने पूरा आरओ कितना घंटे अपने कुछ वारंटी देने हैं कस्टमर के ना, ये भी आपको फीड कर सकते हैं। अपने 600 घंटे है, 400 घंटे है, अपने जो मर्जी है, कस्टमर को अपने वारंटी देता अभी वहाँ पे फीड कर सकते हैं उसको। उसका लाइफ टाइम खत्म होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे अलार्म बोल के आएगा, इंडिकेशन आएगा, तभी आपको कस्टमर को इंडिकेशन लगाएगा या हमारा फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, तभी जब कस्टमर आपको कॉल करेगा उन लोगों ने। ये स्मार्ट आरओ कंट्रोलर का साइलेंट फीचर लेके लिए अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें इनबिल्ट ऑटो फ्लश है और इसको टाइम बेस्ड है और फ्लो बेस्ड में यूज़ कर सकते और ऑल फिल्टर लाइफ एंड सेटिंग्स भी एडिटेबल कर सकते और टैंक फुल का इंडिकेशन भी दिखाएगा। उसको जो फिल्टर का लाइफ सेट भी कर सकता, रीसेट भी कर सकते और आरओ प्यूरीफायर का प्रोसेस भी इंडिकेशन हो जाएगा और फ्लशिंग इंटरवल भी लगा सकते और उसको यूवी फंक्शन इंडिकेशन भी आता और स्मार्ट अलार्म वेल आपको फिल्टर लाइफ खत्म होता आपको इंडिकेशन आएगा। इसको पासवर्ड प्रोटेक्शन भी है, ऑलरेडी आपको जो फिल्टर लाइफ खत्म होता ना कंटिन्यूअली अलार्म भी आएगा। ये पूरा डोमेस्टिकली यूज़ करता हूँ आरओ कंट्रोलर है। इसके पीछे आपको एक स्टिकर पेस्ट करके रहेगा, इसमें कलर कोड रहता, उसको वायर किधर जोड़ना अवेलेबली लिखे रहता। 24 आवर्स इनपुट पावर सप्लाई देना है, इसको रेड एंड ब्लैक वायर रहेगा और पंप के लिए ब्राउन वायर एंड ब्लैक वायर रहेगा और फ्लशिंग एस के लिए दो ग्रे वायर रहता, LPS के लिए दो ब्लू वायर है और फ्लोटी के लिए दो वाइट कलर में रहेगा। इधर आप देख सकते हैं, इधर दो वायर है ना, SMPS को देना है रेड एंड ब्लैक वायर और पंप के लिए दो वायर है ब्राउन एंड ब्लैक वायर है और दो ग्रे वायर है, उसको फ्लशिंग SV को देना चाहिए और फ्लोटी के लिए आपने वाइट कलर देना है और LPS के लिए आपको ब्लू वायर रहेगा। ये प्रोडक्ट को नॉर्मली ऐसा बॉडी में कट करने के बाद ऐसे फिक्सिंग करने फिक्स कर सकते हैं। इसको मैं अभी ऑन करके चेक करेंगे अपन, पूरा LED लाइट ब्लिंकिंग हो जाएगा, आपको हैव ए नाइस डे बोल के आएगा ऐसा। अभी उसको टैंक फुल है इसलिए तो टैंक फुल बोल के दिख रहा, उसको अभी फंक्शन पूरा चेक करेंगे अपन। दिस इज अवर डेमो किट है, आपको इसका कैसा काम करता स्मार्ट आरओ कंट्रोलर, उसका फंक्शन कैसा रहता, उसको फिल्टर लाइफ कैसा सेटिंग करना है, उसको फ्लशिंग इंटरवल कैसा सेटिंग करना है, आप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं अभी पावर ऑन कर रहा हूँ उसका। फर्स्ट आपको ऐसा हैव ए नाइस डे बोल के आपको डिस्प्ले में आएगा ऑन करने के बाद मशीन को।
DROC डिजिटल RO कंट्रोलर। अभी देखो पंप ऑन हो गया, अभी फ्लशिंग हो रहा कहते उसका, तो फ्लशिंग का ऑलरेडी उसका फ्लशिंग 5 सेकंड है। फ्लशिंग का ये फिल्टर वन का लाइफ टाइम है, ये फिल्टर टू का, ये फिल्टर थ्री का लाइफ टाइम है, 7 घंटे है, और टोटल RO का भी 7 घंटे लगा था ऑलरेडी। उसको फिल्टर वन को अभी चेंज करेंगे कैसे, अभी सेटिंग में जाना, उसको पासवर्ड रहता पास फिल्टर वन, फिल्टर टू, फिल्टर थ्री लाइफ टाइम, फ्लशिंग इंटरवल का है, फ्लशिंग इंटरवल, क्लीनिंग टाइम, फोर पल्स काउंट, सेट फ्लो, सेट आवर्स, RO प्रोटेक्शन, यूवी प्रोटेक्शन, F1 प्रोटेक्शन, F2 प्रोटेक्शन, 3 फिल्टर का प्रोटेक्शन दिखाएगा, LPS का प्रोटेक्शन है, फिल्टर चेंज का एंड है। अभी फिल्टर टू को भी सेट करना बोल तो फिल्टर टू को भी जाना है, फिर भी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर आप दोबारा सेट बटन दबाना और रीसेट दबाना, सेम फिल्टर टू को भी ऐसे करना सेम। तो वैल्यू को इंक्रीज करना बोलते इंक्रीज कर लीजिए, और डिक्रीज करना बोलते डिक्रीज करेंगे, ये अप एंड डाउन बटन तो यूज करना पड़ेगा। फिर आपको फ्लशिंग रहता, फ्लशिंग का टाइम भी लगा सकते हैं, अभी अभी इधर 5 सेकंड है, आपको इंक्रीज करके 10 सेकंड भी लगा सकते हैं बोलते, 10 सेकंड भी लगा सकते हैं उसको। और फ्लशिंग इंटरवल है, अपने जो मशीन आपको है ना 1 घंटे के बाद करना, 2 घंटे के बाद करना, नहीं तो को आपको 30 मिनट्स में करना बोले तो 30 मिनट्स में भी कर सकते हैं, जो कब करना आपको फ्लशिंग है ना उसको इंटरवल भी चेंज कर सकते हैं। और क्लीनिंग टाइम है, अपने जो मशीन को ऑन करता ना, तभी पंप आने का ऑन होता ना, अभी क्लीनिंग होता उसका भी कितना मिनट पे आपको फ्लशिंग होना बोलता भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 5 सेकंड डालना है, 2 सेकंड डालना है और 10 सेकंड डालना है, आप कितना लगाना को सोच रहा है इतना भी लगा सकते हो उसको, जो अपने पंप ऑन होता, टैंक फुल होने के बाद ही होता और ऑन करने के बाद भी क्लीनिंग होता। ये फ्लो पल्स बोलता, अपने फ्लो सेंसर यूज करता ना, फ्लो काउंट को चेंज करना पड़ेगा, सेट फ्लो भी सेम ही है। सेट टावर्स बोले तो जो मशीन टोटली कितना घंटे काम करना, कस्टमर को वारंटी देना बोलते इधर सेट करना पड़ेगा, अगर उसको कितना 200, 300, 400 कितना घंटा भी चलना बोलते तो इधर चेंज अप बटन यूज करके चेंज करना पड़ेगा, और डाउन बटन लगा के आपको डिक्रीज हो जाएगा। अगर अभी 40 लगाएंगे ये पे तो चेक करेंगे अपन, तो उसको सेव करके रख लेना। प्रोटेक्शन बोले तो अभी कस्टमर को, अभी एग्जांपल अपने 600 घंटे कस्टमर को वारंटी दे दिया, 600 घंटे के बाद कस्टमर को पानी देना है, बंद करना है मशीन को, आपका इंटरेस्ट है, जो आपको कस्टमर को भी पानी नहीं देना बोले तो प्रोटेक्शन में जाके ऑफ करना, ऑन करना पड़ेगा। सी पासवर्ड एंट्री करना, सेट प्लग के अंदर में जाना है, सेट आवर्स बोल के रहता, वहाँ पे अपने एंट्री करके ना 41 घंटे है ऑलरेडी, जो 41 घंटे के बाद कस्टमर को पानी देना है नहीं तो को बंद करके रख लेना है, तो वहाँ पे RO प्रोटेक्शन में जाके RO प्रोटेक्शन है, दो एंटर दबाना, इसको ऑन करके रख लेना बोले तो अपने 40 आवर्स होने के बाद कस्टमर को ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाएगा, पंप भी बंद हो जाएगा। आपको फिल्टर वन का लाइफ महीने में 1 मिनट सेट करके, अभी मैं सेट करके मैं बता दूंगा आपको, मैं प्रोटेक्शन बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी F1, F2, F3 तीन फिल्टर का मैंने F1 के लिए 2 सेकंड 2 मिनट लगाया, F2 के लिए 4 मिनट्स, F3 के लिए 6 मिनट आपको मैं डेमो के लिए लगाया था, तभी मैंने प्रोटेक्शन को ऑन करके रखा भी, तो बोले तो फिल्टर वन, फिल्टर टू, फिल्टर थ्री जो लाइफ खत्म होता ना ऑटोमेटिकली मशीन बंद करके रखेगा। मैं आपको F1 ने 2 मिनट्स लगाए अपने, इधर 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली पूरा शट डाउन हो जाएगा मशीन, अभी चेक करेंगे अपन। तो अभी देखो फिल्टर का 1 मिनट आ गया, 1 मिनट खत्म हो गया, अगले नेक्स्ट मिनट खत्म होता ना आपको ऑफ करके रखेगा मशीन को। आपको अलार्म भी बजेगा आपको फिल्टर वन खत्म होने के टाइम पे,
फिल्टर वन का लाइफ खत्म हो गया, उसको मशीन को बंद करके रखा था। फिल्टर वन का लाइफ खत्म हो गया, पंप भी ऑफ हो गया ऑलरेडी, पूरा F1 बोल के अलार्म आएगा, फिल्टर वन को रिप्लेस करना है। तो फिल्टर वन को रिप्लेस करके आपको फिर भी उसको रीसेट करना, ये वाला फिर भी ऑन हो जाएगा। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देख लीजिए। अभी अभी मैंने टेक्नीशियन आया था, आपको पासवर्ड दबा के एंट्री करना, फिल्टर वन 2 मिनट है, सेट कर दिया मैंने, अंदर 2 मिनट ही रखा दिया मैं आपको। फिर लेकिन मैंने प्रोटेक्शन को ऑन कर दिया, सेम 2 मिनट में और भी रिसेट करके रख दिया। अभी मशीन ऑन हो गया। दिस इज द फीचर्स प्रोटेक्शन के लिए। अभी ये हमारा स्मार्ट आरओ कंट्रोलर है, इसके साथ आपको है ना एक प्रोडक्ट आएगा और उसको मैनुअल रिसिप्ट आएगा, जो अपने इंडिकेशन में LED में आता ना, उसको इंडिकेशन भी क्या क्या फंक्शन का क्या